मुफ्ती इरफान साहब का मौलाना खैर आबादी साहब का, ये दोनों हजरात ने मेहनत करके, कोशिश करके, वक्त निकाल के, मुफ्ती इरफान साहब ने तो और भी काम किया, सिर्फ इस सेमिनार की तैयारी नहीं बल्कि उनके खुतबात को जमा किया, उनकी और चीज़ें जो हज़रत मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह से मुतल्लिक बिखरी हुई थी तो एक जगह जमा कर दी। तो जमीयत उलमा की तारीख, उलमाए हिंद की तारीख और आज़ादी हिंद की तारीख, ये सब, इन सब का हिस्सा बनेगी ये कोशिश। अल्लाह ताला हर दो हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे साथियों में मौलवी अब्दुल मलिक हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है और कई मरतबा मैंने उनकी शान में गुस्ताखियाँ भी की हैं, तो मैं माजरत भी चाहूँगा और शुक्रिया भी अदा करूँगा। यकीनन मकाला निगार हजरात सबसे बड़े शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। अच्छी बात यह है कि नौजवान उलमा ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और काफ़ी से ज़्यादा चीज़ें बहुत वक़ी मेहनत हुई है, तो ये इत्मीनान है कि इंशाअल्लाह अगली नस्ल में लोग तैयार हो रहे हैं काम करने के लिए। जो लोग इसमें शरीक हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने माली तौर पर हिस्सा लिया है, जमीयतुलमाए उत्तर प्रदेश के सदर मुहतरम हैं, इन्होंने वकी हिस्सा लिया है इसमें, और भी सूबे हैं, कुछ ने लिया है, कुछ लेने वाले हैं इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने नहीं लिया वो लेंगे हिस्सा। और सबसे अहम बात यह है कि दिलों में उलझन और परेशानी तो है ही मुल्क के हालात, और बहुत सारे दानिश्वर उलमा की तकरीरों में, तहरीरों में मौजूदा हालात की फिक्रमंदी का इजहार हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुल्क में जो मायूसी महसूस कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि फिक्रमंदी का एहसास सिर्फ उसको ही है जो मुतासिर होता है, जो मुतासिर नहीं होता वो उससे भी ज़्यादा मुतासिर होता है। तो ये हमारे लिए बड़ा कीमती मौका है कि इस वक्त अरबाब फिक्र दानिश और उलमा की इस मजलिस में हमारे अम्मे महतरम अमीरुल हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुह ने शरफ बख्शा है, और इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि उनका वजूद मिल्लत इस्लामिया हिंद के लिए अजीम शान नेमत है, और इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि जो लोग नेमतों की कदर नहीं करते अल्लाह ताला उनसे नेमतें छीन लेते हैं वापस। तो दुआ भी करनी चाहिए और इस्तिफादे की कोशिश भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मिल्लत के कारवां को उनकी ज़ात से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की, कारवां के काम करने वालों को, कारकुनान को तौफीक अता फरमाए। किताब तो हजरत का होना है और दुआ होनी, तो किताब और दुआ को एक जगह जमा कर दिया जाए, और शुक्रिया की तजवीज़ मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब नाज़िम-ए-उमूमी दीन-ए-उलमा हिंद पेश कर देंगे, उस
उसके बाद आपको बयान देगा। मेरे सामने ये तस्वीर नाजुक रही है, मेरी दावत को नाजुक साहब को आप हैं, आपको आपकी करना है। जजाकल्लाह।